हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, एक अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है। जो रिक्वायरमेंट है फ्रेंड, वो रसिया के लिए है। आप लोग का सबसे ज़्यादा कमेंट भी आता है कि सर रसिया का, यूरोप का रिक्वायरमेंट बताइए। ठीक है, तो फ्रेंड बहुत अच्छी ऑफिस का रिक्वायरमेंट है और बहुत अच्छी कंपनी का रिक्वायरमेंट है। जो सैलरी है बहुत हाई सैलरी है, ठीक है ना, बहुत हाई सैलरी जॉब है, ठीक है ना। तो फ्रेंड देखिए, हमारे साथ में एक भैया है, इनसे भी हम बात करेंगे, ठीक है ना, और इनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे, ठीक है ना। ये भी आपको कुछ अपना इन्फॉर्मेशन देंगे, अपने बारे में बताएंगे, ठीक है ना। आप लोगों को भी पता है फ्रेंड कि जो भी कुछ न्यू रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है ना, इंडिया की बेस्ट ऑफिस का, मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बताता हूँ, ताकि जो भी हमारे भाई लोग हैं, जो हमारे चैनल पर जुड़े हैं, जो बिलीव करते हैं, उनका फ्लाइट हो, ठीक है ना। खासतौर में मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट आप लोग को फ्री गेम का बताता हूँ, फ्री रिक्वायरमेंट का, जिसमें ना ही वीज़ा का पैसा लगे, ना ही टिकट का पैसा लगे, ना ही मेडिकल का पैसा लगे, और फ्री में फ्लाइट हो, यानी कि बिना पैसे का फ्लाइट हो। जैसे हम लोग यहाँ पे फ्री में आके कमा रहे हैं। देखिए, ये भी ऑलरेडी बेक्टल कंपनी में ही है ना जी। जी, थोड़ा अपने बारे में बताइए हमारे जो सब्सक्राइबर भाई लोग हैं कि आप, मतलब आपका टोटल एक्सपीरियंस कितने साल का है? टोटल एक्सपीरियंस जो है, मैं 2011 से रह रहा हूँ बाहर। अच्छा, 2011 से गल्फ में रह रहा हूँ। 2011 से, अभी 2024 चल रहा है, तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कब से रह रहे हैं। और एक चीज़ और है कि जो है 2011 से हम रह रहे हैं, कभी भी गए तो अच्छी कंपनी में गए हैं, और कभी भी अच्छी कंपनी में जाने के लिए अच्छी ऑफिस ही पकड़ना पड़ता है। अभी जैसे भाई जो है, हमारे दोस्त जो है, अगर जो कोई ऑफिस बताते हैं तो सब लीगल ऑफिस है, बहुत अच्छी अच्छी ऑफिस है। अगर जो ऑफिस, ये ऑफिस आप संपर्क करते हैं तो कम चार्ज में बेहतर काम होगा। अच्छा, हमारे बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं कि नहीं, अभी भी लोग कमेंट करते हैं, जो परमानेंट हमारा सब्सक्राइबर है वो लोग जानते हैं कि हम लोग फ्री में आए हैं, लेकिन अभी भी बहुत लोगों को यकीन नहीं होता, बिलीव नहीं होता कि हम लोग फ्री में आए हैं। थोड़ा बताइए। हम लोग ये बेक्टल में जो आए हैं, पूरा जीरो, एकदम से कहीं पैसा कोई चार्ज नहीं लगा। हम लोग, अगर जो मेडिकल भी जो हम लोगों का हुआ है, उसका भी चार्ज जो है कंपनी दिया, मेडिकल का भी पैसा दिया, हमारा कहीं एक भी पैसा नहीं लगा। एक रुपया नहीं लगा, एक रुपया नहीं लगा है, वही लगा है जो घर से हम लोग गए हैं ट्रेन से, वो पैसा अपना लगा है, बाकी एक रुपया यहाँ पे आने के लिए हम लोग का नहीं लगा है, ठीक है ना। टोटल फ्री, फ्री वीजा, फ्री टिकट, फ्री मेडिकल और फ्री फ्लाइट। सही बात है, सही बात है। और बेक्टल का नियम है, बेक्टल में कहीं का भी रिक्वायरमेंट रहेगा कोई भी कंट्री के लिए, तो आपका एकदम पूरा फ्री रहेगा, मेडिकल से लेके हर चीज तक, ठीक है ना। आपका सिर्फ वही भाड़ा खर्चा होगा, ऑफिस पे आने जाने का खर्चा, ठीक है ना, और बाकी ट्रेन से गाँव जाएंगे वो खर्चा होगा, खर्चा होगा। और बाकी इतना आप लोग ध्यान रखिए कि अगर जो आप लोग को एक अच्छी ऑफिस में, अच्छे कंपनी में जाना है, तो एक अच्छी ऑफिस को जो है आप लोग संपर्क करें। ये भाई साहब जो बता रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, बहुत खास मित्र है हमारे, ये जितनी भी ऑफिस बताते हैं पूरा लीगल एक नंबर की ऑफिस बताते हैं, ठीक है ना। और पहली बात की जो ये भागने वाली जो ऑफिस होती है, ये अच्छा ऑफिस जो नहीं होता, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते भी नहीं है, क्योंकि इनका भी वीडियो मैं देखता हूँ, हम लोग एक साथ हैं, एक ही कंपनी में है, ठीक है ना, बराबर मैं इनका प्रॉपर वीडियो भी चेक करता हूँ। जो भी ऑफिस अगर जो बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, बहुत सटीक देते हैं, ठीक है ना। आप लोग संपर्क कीजिए उस ऑफिस पर और इंशाल्लाह आपका काम बेहतर होगा। मेरा नाम वारिस अली है, ठीक है ना। आप लोग एक बार कोशिश कीजिए, आप लोग जाइए ये वीडियो देख के, इस वीडियो के माध्यम से आप ऑफिस तक जाइए, आपका काम बेहतर होगा, ठीक है ना। फ्रेंड, मैं जो भी ऑफिस के बारे में बताता हूँ, इंडिया गवर्नमेंट का लाइसेंस ऑफिस रहता है। अच्छा, ये बताइए, सिंकलस ऑफिस, सिंगल ऑफिस, ये सब कैसी ऑफिस है? देखिए, सिंकलेस हुआ, और सियागुल हुआ, इंडमान हुआ, और ये अल्समित हुआ, और ये साई कृष्णा हुआ, डायनामिक हुआ, साई कृष्णा भी हुआ, दाहिद ट्राइबल्स हुआ, ये जितने भी ऑफिस है ना, ये इसका चार्ज ज़्यादा नहीं है। देख, दाहिद ट्राइबल जो है शेयर मार्केट में 6वें फ्लोर पे, उसका चार्ज कितना है? 20,000 रुपया, मात्र 20,000। और ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट फ्री में ही, फ्री में ही रहता है, फ्री रहता है, ठीक है। और आप इंडमान में जाएंगे, उसका शायद 40,000 रुपया चार्ज है, और ज़्यादातर फ्री रिक्वायरमेंट रहता है। जब फ्री रिक्वायरमेंट रहेगा तो आपका टोटल फ्री हो जाएगा, ठीक ना। हो सकता हो कि कहीं कहीं मेडिकल का सिर्फ पैसा देना पड़ता है, लेकिन जो फ्री रिक्वायरमेंट रहता है तो समझ लीजिए उसमें मेडिकल फ्री रहता है, तो मैं वो भी बताता हूँ कि मेडिकल फ्री है, बराबर, मैंने 1 रुपया सर्विस चार्ज नहीं, ठीक है, ऑफिस चार्ज वगैरह नहीं लगता है, नहीं लगता है ना। सही है, आप लोग सही ऑफिस संपर्क करें, ठीक। तो फ्रेंड, रसिया का अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, तो 2-3 टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे फ्रेंड कि क्या क्या ट्रेड का, यानी कि किस किस जॉब का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। इसके बारे में हम बात करेंगे कि उसमें जाने के लिए आपके पास क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, और लास्ट में जो थर्ड टॉपिक रहेगा कि इंडिया की किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। देखिए, इनसे मैं आप लोग से बात करा के, मैंने बात कराया है भैया से, तो आप लोग को भी यकीन हो गया होगा कि मैं जो ऑफिस के बारे में बताता हूँ वो लीगल ऑफिस रहता है, ठीक है ना, यानी कि इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस रहता है, ठीक है ना। तो उसी में से एक ऑफिस का रिक्वायरमेंट आया है, ठीक है ना, और बहुत अच्छा इसमें सैलरी है, बहुत हाई सैलरी है, ठीक है ना।
तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि किस किस स्टेट का रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है जो ट्रेड का, वो है टिग एंड आर्क वेल्डर। जी हाँ, टिग एंड आर्क वेल्डर रशिया के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। टिग एंड आर्क वेल्डर का जो सैलरी है, एक चीज और मैं बता दूँ, टिग एंड आर्क वेल्डर SS चाहिए, यानी कि स्टैंडर्ड स्टील, ठीक है ना। इसका जो सैलरी है वो 1200 USD, जी हाँ 1200 अमेरिकन डॉलर सैलरी है, ठीक है ना। आपसे बता दूं फ्रेंड कि 1 आवर्स का, यानी कि 1 घंटे का 4.75 पर हावर्स सैलरी दिया है, ठीक है ना। ये टोटल कैलकुलेट करके भी 8 आवर्स का बताया है, 10 आवर्स का $1200 और घंटे के हिसाब से भी $4.75 सैलरी इसमें है, ठीक है ना। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है टिग एंड आर्क वेल्डर CS, यानी कि कापर स्टील का। इसमें जो सैलरी दिया है वो $4 पर हावर्स, यानी कि $4 पर हावर सैलरी दिया है। अच्छा ये बताइए, जो सैलरी दिया है रशिया के लिए टिग एंड आर्क वेल्डर SS का $1200, ये सैलरी कैसा है आपके हिसाब से? सैलरी बहुत अच्छा है रशिया में, बढ़िया है गोल्फ के हिसाब से। देखिए हम वहाँ पे रशिया में भी रह के आए हैं, ठीक है, रशिया में भी रहे हैं, वहाँ पे हम 3 साल रहे हैं। रशिया का ही मतलब जैसे इंडिया से ये अपना पाकिस्तान ये सब अलग हुआ है, तो ऐसे ये रशिया से भी अलग हुआ कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। वैसे हम कजाकिस्तान में थे, अस्ताना सिटी में, वहाँ पे अबू धाबी प्लाजा 3CC में काम करते थे, अरबटेक 3CC जॉइंट वेंचर था, ठीक है ना। तो वहाँ पे अबू धाबी प्लाजा 90 फ्लोर का बनाया है, तो उसमें हम जॉब किए हैं, तो वहाँ पे भी अच्छी सैलरी थी। स्टार्टिंग में हम $400 में गए थे, लेकिन 1 साल तक हमारा $400 था, उसके बाद हमारा सैलरी जो है बढ़ा है $200, जो कि उसके बाद चार्जिन हम बने हैं, तो $200 हमारा सैलरी बढ़ाया था। 2000 कम 1,00,000 रुपये, यानी 98,000 तक मैं सैलरी उठाया हूँ रशिया में। अगर जो ये सैलरी, अगर जो आप 4.5 या $1200 का जो सैलरी लग रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका 1,00,000 से ऊपर ही सैलरी उठेगा ओवर टाइम लेकर के, कन्फर्म है, ठीक है ना। और अच्छी कंपनी भी है, अच्छी इतना सैलरी आप गोल्फ में कहीं पे भी नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते, सही बात है कि नहीं। और यूरोप में देखिए, जो आदमी जो 2 साल में जो यहाँ पे पैसा कमाएगा गोल्फ में, ठीक है ना, वो आदमी 1 साल में यूरोप में निकाल सकता है। देखिए ऑलरेडी ये रह चुके हैं, ठीक है ना। मैं इसलिए इनको लेकर आया फ्रेंड कि ताकि ये कुछ आप लोग को एडवाइस दे, कुछ बताएं, ताकि आप जो भी है मोटिवेट हो, ठीक है ना। ये जो है रशिया जो है एशिया में ही आता है, लेकिन वो अपना इस डेवलप है इस यूरोप का, ठीक है, यूरोप एशिया में आता है, लेकिन जो पूरा यूरोप का सिस्टम है, पूरा यूरोप का सिस्टम वगैरह जो कुछ भी है सब USD। अच्छा एक चीज़ और बताइए, मैं बहुत से भाई लोग से बताता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग का जो वीकली छुट्टी है वो एक दिन रहता है हफ्ते में, वहाँ पे वीकली छुट्टी, हाँ वहाँ पे कैसा है कि जैसे अपने इंडिया में छुट्टी रहता है संडे के दिन, तो संडे को छुट्टी रहता है और शनिवार को भी छुट्टी रहता है, दो दिन छुट्टी है, ठीक है ना। अगर जो आप जो है शनिवार को ड्यूटी करते हैं तो आपका ओवर टाइम, पूरा ओवर टाइम। और दूसरा चीज़ एक चीज़ और बताइए, यहाँ पे जैसे सवैया मिलता है वहाँ पे क्या डेढ़ा मिलता है? वहाँ पे डेढ़ा मिलता है, और बाकी जैसे कि होल्डे है तो वो पौने दो, दोना भी ऐसा है, और दो दिन छुट्टी है। तो समझ लीजिए कि 2 दिन अगर आप ओवर टाइम कर रहे हैं, यानी कि महीने में 22 डे ड्यूटी है, 8 दिन छुट्टी, सोच लीजिए। मैं हम हर एक वीडियो में बताता हूँ ना फ्रेंड, इसीलिए सैलरी ज़्यादा हो जाता है, सही बात है कि नहीं। वहाँ पे इसलिए देखिए सैलरी और ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वहाँ पे जैसे अपने फेस्टिवल अपने इंडिया में जो है ये सब पड़ता है त्यौहार, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी बहुत पड़ता है, बहुत ओवर टाइम वगैरह बहुत चलता है, बहुत चलता है। मैंने जो बंदा है, अगर एक बात और कि रशिया में ये अपना परजन जो ड्यूटी होता है यहाँ पे गल्फ में क्या है 8 घंटे का है, ठीक है, और वहाँ पे 7 घंटे का, 7 घंटे का है, 7 घंटे के बाद अगर जो आप ड्यूटी करते हैं तो आपका ओवर टाइम चालू होता है, देख लिए। तो ये चीज़ मैं वहाँ पे रह के आया हूँ और वहाँ पे सब कुछ मैं देख चुका हूँ, सही है, बेहतर है, आप लोग संपर्क कीजिए, जाइए, ठीक है ना, बहुत अच्छा सैलरी है। और दूसरा जो रिक्वायरमेंट है फ्रेंड वो टिग एंड आर्क वेल्डर CS का, यानी कि कापर स्टील, कापर स्टील का, इसका सैलरी है $4 पर आवर्स, यानी कि 1200 हो गया ना मंथली। लेकिन ये 1200 जो है वो मिनिमम, ये मान के चलो कि जो ओवर टाइम वगैरह होगा ना तो आदमी जो है 1500-1600 से कम नहीं उठाएंगे, 1500 इससे कम नहीं आएगा, इससे कम नहीं आएगा। 1500 भी हो गया तो 15-8 है, मैंने मान के चलिए कि 1.5-1.5 लाख रुपये तक आप सैलरी आराम से उठा सकते हैं, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो दो ट्रेड का मतलब ये जो रिक्वायरमेंट है दो ट्रेड का है। और फ्रेंड आपसे बता दूं कि जो रिक्वायरमेंट है दो जगह पे है, मुंबई में भी है और बीजाग में भी है, यानी कि विशाखापट्टनम में है ना। और सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड कि जो इंडिया की टॉप ऑफिस का
में रिक्वायरमेंट आप लोग को भी पता है कि मैं बताता हूँ, देखिए भैया भी बताए, तो आप बताइए कि जो जो रिक्वायरमेंट है वो शीला कंसल्टेंसी ऑफिस में, शीला कंसल्टेंसी ऑफिस कैसा है? ऑफिस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ऑफिस है, शीला कंसल्टेंसी जो है ऑफिस अच्छा है, ठीक ना? बहुत अच्छे, वहाँ पे जो है विजिट कीजिए, देखिए कैसा है कैसा नहीं, वहाँ पे जाएंगे तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा, वहाँ पे भीड़ बहुत रहेगा, ठीक है ना फ्रेंड? ये बताइए, आप लोग से मैं बता दूँ एक चीज़ कि मैं किसी ऑफिस का प्रचार नहीं करता हूँ, या हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? या नहीं कोई ऑफिस वाले पैसा दे रहे, पैसा हम लोग को दे रहे हैं, ठीक है ना? अगर ऐसा बात रहता तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 80-90% जो रिक्वायरमेंट बताता हूँ फ्री रिक्वायरमेंट बताता हूँ, तो फिर हम लोग क्यों बताते हैं जिसमें एक भी रुपया आपका सर्विस चार्ज नहीं लगता? हम लोग का मकसद ये है, मेरा मकसद ये है कि जो भी हमारे इंडियन भाई लोग हमारे चैनल पर जुड़े हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो भी गरीब भाई लोग हमसे जुड़े हैं, वो लोग का फ्री में फ्लाइट हो और कम पैसे में फ्लाइट हो और सही जगह पर फ्लाइट हो, है कि नहीं, ताकि वो जाएँ और अच्छा पैसा अर्न करें, कमाएँ और अपने फैमिली का, बाल बच्चे का जो भी है अपना ड्रीम है पूरा करें, है कि नहीं? ये सी तो शीला कंसल्टेंसी, इनसे भी बात करा दिए। देखिए भैया भाई बता रहे हैं शीला कंसल्टेंसी ऑफिस इंडिया की बेस्ट ऑफिस का बेस्ट ऑफिस है और इसी में रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना? और आपसे बता दूं कि जो रिक्वायरमेंट चलेगा फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू चलेगा दो जगह चलेगा, ठीक है ना? एक बिजाग में भी चलेगा और मुंबई में भी चलेगा। तो मुंबई में जो चलेगा वो अनुपटेक ऑफिस में चलेगा, अनुपटेक ऑफिस ट्रेनिंग सेंटर है, हाँ। वहीं पे ये रिक्वायरमेंट चलेगा क्योंकि आप लोगों को बिल्डर का रिक्वायरमेंट है तो बिल्डिंग का टेस्ट होगा, है ना? तो अनुपटेक ऑफिस का जो एड्रेस है अनुपटेक ट्रेड सेंटर रवाले में है, R421 ना, रवाले MIDC में पड़ता है। और इस यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट चलेगा फ्रेंड, आपसे बता दूं कि इंटरव्यू 2 तारीख से लेकर 5 तारीख और आज है 4 तारीख, ठीक है ना? तो कल तक लास्ट डेट है, ठीक है ना? और इसके बाद बिजाग विशाखापट्टनम में जो रिक्वायरमेंट चलेगा वो चलेगा विशाखापट्टनम में चलेगा वो 8 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक, तो उसका तो काफ़ी डेट है, हाँ, अभी तो आज 4 तारीख है, आप आराम से टेस्टिंग में हो, लंबा डेट, हाँ अभी लंबा डेट है, बट इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं वहाँ पे जाके, ठीक है ना? तो फाइनली मैं बता रहा हूँ जो शीला कंसल्टेंट ऑफिस का एड्रेस मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड। आपसे मैं बता दूं कि वीडियो बीच में रुक कर मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि बहुत से हमारे भाई लोग का कमेंट भी आता है और बहुत से हमारे भाई लोग ये भी सोचते होंगे, सोचते क्या है, डायरेक्ट वो लोग कमेंट भी करते हैं कि भाई आप गल्फ में बैठे हैं, आप यूरोप का रिक्वायरमेंट बताते हैं, अमेरिका का रिक्वायरमेंट बताते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पर कमेंट करते हैं कि ये भाई साहब बैठे हुए हैं गल्फ में और हमें नसीहत दे रहे हैं कि आप जाइए जो है यूरोप में कमाइए, 2 साल की कमाई, जो यहाँ पे 2 साल कमाएंगे गल्फ में वो 1 साल में वहाँ पे कमा लेंगे। बहुत लोग अपोजिट सोचते हैं, तो लेकिन क्या है कि ये हम जो ये जो इस डिस्पेक्टल कंपनी में आए हैं, हम इस कंपनी के हम रिटर्नर नहीं थे, लेकिन हमें इसका सर्टिफिकेट लेना था। इसका ज़्यादातर 100% में 99% इसका यूरोप में जो मिलता है, वहाँ पर चलता है इसका काम। तो अगर जो हम यहाँ पर आ गए हैं तो अभी हम रिटर्नर हो जाएंगे, हमें हमारे पास सर्टिफिकेट भी हो जाएगा। अभी नेक्स्ट जो हाँ यहाँ पे जाने के लिए नेक्स्ट चांस में हम लोग यूरोप के लिए इसमें बेक्टल में, ठीक है ना, हमको खुद ऑफिस संपर्क करेगा, सिंकलेस ऑफिस खुद कॉल करेगा कि जो है आप बेक्टल के फला जगह के लिए रिक्वायरमेंट है, आप आ जाइए, ठीक है ना? और भी यूरोप के लिए अब हमारे पास सर्टिफिकेट हो जाएगा, हम रिटर्नर भी हो गए इस कंपनी के, इसीलिए हम यहाँ पे आए। और एक चीज़ और बता दे रहे हैं फ्रेंड कि यही सिर्फ मकसद नहीं है, आप लोग सोचते होंगे ना, बहुत से बाहर हमारे भाई लोग कमेंट भी करते हैं कि आप खुद क्यों नहीं चले जा रहे हैं। तो भाई देखिए, ठीक है हम तो यहाँ पे आए हैं आके कमा रहे हैं, लेकिन हम यही सोचते हैं ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करें। सही बात है, हम कम पैसा कमा रहे हैं लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करें, ठीक है ना? आप यूरोप जाएँ, यूरोप जाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, सही बात है कि नहीं? सबसे बड़ा मकसद ये है, ठीक है? देखिए स्लोवानिया, एक स्लोवानिया है, ठीक है ना? ये स्लोवानिया में जो है हमारे 2 फ्रेंड गए हैं और जो कि सैलरी आप यकीन नहीं करेंगे कितना है मालूम है, वो डक्टिंग में इसमें गए, क्लाइडिंग में गए हैं, क्लाइडिंग वो लोग फेब्रिकेटर भी हैं, वो लोग का सैलरी है 236,000, बताइए 236,000 रुपया इंडियन मनी है एक महीने का सैलरी। साउथ के हैं, साउथ केरला के हैं और तकरीबन 5 लाख रुपया भर के भी गए हैं, एजेंट के थ्रू गए हैं लेकिन 5 लाख रुपया भर के गए हैं। 2 दोस्त हैं, दोनों रसिया में थे साथ में, वो लोग वहाँ पे गए हुए हैं, ठीक है ना? अब आप लोग सोचेंगे कि देखो ये बता रहे हैं ये क्यों नहीं जा रहे, लेकिन देखिए किस्मत की बात है, वो लोग जाके कमा रहे, हम लोग आर्मी का रिक्वायरमेंट था चले गए, वो चले गए, जब वो लोग गए तो हम यहाँ पे थे बेक्टल में यहाँ पे, ठीक ना? हम यहाँ पे आए तब वो लोग वहाँ दूसरे यहाँ निकल गए, और लोग का प्रोसेस मैं यूरोप का मान के चलो कि तकरीबन 6 से 7 महीना जाता है काम होने में, ठीक ना? वीजा जल्दी भी नहीं आता है, वर्क परमिट के लिए सिर्फ 90 दिन लगता है वर्क परमिट निकलने में, ये चीज़ याद रखिएगा यूरोप के लिए खास करके। तो फ्रेंड शीला कंसल्टेंस ऑफिस का जो रिक्वायरमेंट है उसका एड्रेस नोट कर लीजिए, तो 1203 एड्रेस है, 1203 यूनिवर्सल मजेस्टिक PL लोखंडे मार्ग, जी हाँ चेंबूर वेस्ट मुंबई, ये ऑफिस का एड्रेस है, ठीक है ना? शीला कंसल्टेंसी ऑफिस है और वैकेंसी इन लार्ज नंबर दिया है,
कंपनी का फ्री फूड है, फ्री अकोमोडेशन है, प्लस फ्री ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि रहना खाना पीना जो भी फैसिलिटी सब कंपनी की तरफ से प्रोवाइड है, ठीक है ना। यानी कि बहुत अच्छी कंपनी का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, रसिया के लिए। हमारे बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं, तो जो भी भाई लोग स्टेट से हैं अगर आप रसिया जाना चाहते हैं, ठीक है ना, अगर आप टी एंड आर्क वेल्डर एस एस हैं, यानी कि स्टेंडर स्टील एंड टी एंड आर्क वेल्डर सी एस एंड कापर स्टील, तो आप लोग ऑफिस पर जाकर अपना शॉर्ट टेस्टिंग करा लीजिए, ठीक है ना। शॉर्ट टेस्टिंग के लिए फ्रेंड आपसे बता दूँ कि ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल बायोडाटा और ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस फोटो लेकर जाइएगा, ठीक है ना, तो भी आपका क्लाइंट फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा। जब तक शॉर्ट टेस्टिंग नहीं होगा तब तक आपका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है ना। तो ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, गुड बाय। ओके फ्रेंड, वीडियो का यहीं पे कर रहे हैं, तो आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।